एवरीवन, वेलकम टू अ वीकेंड इन माय लाइफ व्लॉग। सुबह उठते के साथ रेडी होके मैं चली गई मेस और वहाँ पे ब्रेड टोस्ट करने के लिए डाल दिया ताकि जल्दी से ब्रेकफास्ट करके मैं क्लास के लिए निकल सकूँ। एंड दिस इज़ माय ब्रेकफास्ट, ब्रेड, बटर एंड टी। जल्दी से बायोमेट्रिक देके निकलते हैं क्योंकि हम लोग क्लास के लिए लेट हो रहे हैं। आज के फर्स्ट हाफ में हमारा बस एक लैब था जहाँ पे हमें प्रोजेक्ट शो करना था एंड हियर इज आवर टीम प्रेजेंटिंग आवर प्रोजेक्ट वर्क। ग्यारह बजे लैब करके हॉस्टल वापस आ रही थी तो ऑन द वे आई सॉ दीज क्यूट पपीज। एंड इसके बाद कुछ दिन पहले इन दोनों का बर्थडे था तो अभी हम रेडी होके उनके बर्थडे ट्रीट में जाने वाले हैं। एंड हियर्स आवर ग्रुप एट एब्सोल्यूट बारबेक्यूज फॉर द लंच। बहुत सारा खाना और डेजर्ट खाने के बाद ये है आयुष्मान की हालत। वेल, ये तो ऑब्वियस था, बर्थडे ट्रीट है तो बर्थडे सॉन्ग तो गाएंगे ही। लंच ख़त्म करते के साथ हम जल्दी से आ गए क्लास। आज और सिर्फ दो पीरियड्स हम अटेंड करेंगे बिकॉज एक मिस हो चुका है। अभी बज रहे हैं शाम के 6 एंड अभी हम जाने वाले हैं अपने स्टूडेंट सोसाइटी, दैट इज़ किट रोबोटिक सोसाइटी, जहाँ पे मैं एज अ फोटोग्राफी मेंबर हूँ। काम और मीटिंग जल्दी जल्दी एंड करके भाग भाग के मैं आ गई हॉस्टल, क्योंकि हॉस्टल का एंड टाइम 7 बजे है वरना मुझे फाइन लग जाता। तो रूम चलते हैं एंड नाउ इट्स टाइम टू वॉश आवर क्लॉथ्स। वैसे कपड़े तो धुल गए, वही कपड़े लेने का टाइम है। चलिए इनको जाके सुखा देते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। वेल, इसके बाद मैंने डिनर किया जिसकी फुटेज मैं लेना भूल गई। उसके बाद मैं रात को अपना टेबल थोड़ा साफ़ की बिकॉज़ बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड हो गया था और बहुत धूल भी आ गई थी। जल्दी से टेबल साफ़ करके अपना बेड ऑर्गेनाइज करके पानी वानी भर के मैं तो सोने जाने वाली हूँ बिकॉज़ कल का दिन यानी कि संडे बहुत ही हेक्टिक होने वाला है। This is the end result. This is my table and this is how it looks like when it's organized. Good morning guys. आज है संडे और मैं आज वापस से लेट उठी हूँ तो मुझे बाहर से मैगी खरीद के खाना पड़ रहा है एज़ ब्रेकफास्ट। एंड ये रहा अनाबिक, हमारे सोसाइटी का मेम्बर। तो आज बेसिकली हमें एक फ़ोटो शूट करना है सारे मेम्बर्स का, तो जल्दी से वो काम ख़त्म करते हैं। ये काम ख़त्म करने के बाद हम चले गए अपने हॉस्टल। फिर से रेडी होके हम गए एस्प्लेनेड मॉल बिकॉज़ वहाँ पे भी हमारा एक दोस्त हमें ट्रीट देने वाला था। एंड उसके बाद और क्या ही किया, कुछ नहीं किया, जस्ट हम हॉस्टल आ गए और अपना दिन को एंड किया। वेल, दैट्स इट फॉर टुडे। आई रियली होप यू एंजॉयड वॉचिंग इट एंड इफ़ यू डिड देन प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। And I'll meet you guys in a brand new video. Till then, take care and goodbye.